हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टॉप 10 भोजपुरी सुपरस्टार के बारे में। मैं इस वीडियो में बताऊंगा इन टॉप 10 सुपरस्टार की कमाई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल में पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आखिरी नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं 10वें नंबर से। 10वें नंबर पे जो भोजपुरी के सिंगर आते हैं वो आते हैं राकेश मिश्रा। आपको बता दें कि राकेश मिश्रा जो है एक गाने के लिए 25,000 से 30,000 चार्ज करते हैं। तो ये हो गई 10वें नंबर की बात। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर की। 9वें नंबर पे आते हैं गुंजन सिंह। आपको बता दें कि गुंजन सिंह जो है ये पवन सिंह के भांजे और काफी अच्छा इन दिनों छाए हुए हैं अपने संगीत की वजह से। तो आपको बता दें गुंजन सिंह जो एक गाने के लिए चार्ज करते हैं वो करते 35,000 से 40,000 रुपए। तो अब बात करते हैं हम 8वें नंबर की। 8वें नंबर पे है अभ्यास प्रेमी। आपको बता दें कि अभ्यास प्रेमी जो है काफी ज्यादा कभी कभी कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं अश्लील गानों को लेके। तो अभ्यास प्रेमी की अगर बात करें कमाई की, तो अभ्यास प्रेमी किसी एल्बम या फिल्म के गाने के लिए एक गाने के लिए 25,000 से 40,000 के बीच चार्ज करते हैं। अब नेक्स्ट नंबर की बात कर ले तो वो आ जाते हैं अरविंद अकेला और कल्लू जी, यानी कि 7वें नंबर पे अरविंद अकेला और कल्लू जी आते हैं और उनकी जो एक गाने के लिए चार्ज होता है वो होता है 40,000 से 45,000 रुपए। तो अब बात कर लेते हैं हम 6वें नंबर पे। 6वें नंबर पे आ जाते हैं प्रमोद प्रेमी। प्रमोद प्रेमी एक गाने के लिए चार्ज करते हैं 60,000 से 65,000 रुपए। तो अब बात कर लेते हैं हम 5वें नंबर पे जो सुपरस्टार है। आपको बता दें कि 5वें नंबर पे है जो सुपरस्टार वो है समर सिंह। समर सिंह भी एक गाने के लिए लगभग 60,000 से 65,000 रुपए चार्ज करते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं 4वें नंबर पे। 4वें नंबर पे अपने जाने पहचाने रितेश भाई, यानी कि रितेश पांडे जी है, जो आपको बता दें कि इनकी एक गाना जो काफी ज्यादा मिलियन में व्यू आया था, गोरी तोर चुनरी वाला लाल रे। तो रितेश पांडे जी जो गाने के लिए चार्ज करते हैं वो करते करीब 65,000 से लेकर 70,000 के बीच में। तो अगर हम बात करते हैं 3रे नंबर पे, तो 3रे नंबर पे आ जाते हैं नीरहुआ, यानी कि दिनेश लाल यादव नीरहुआ, जो कि एक गाने के लिए 70,000 से 75,000 चार्ज करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर दो पे। अगर हम बात करें तो इसमें पवन सिंह या खेसारीलाल दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल जो बात करें नंबर दो पे खेसारीलाल को रख रहे हैं। खेसारीलाल जो होते हैं एक गाने के लिए चार्ज करते हैं 2,00,000 से 3,00,000 के बीच में। आपको बता दें कि खेसारीलाल जो है थोड़ा पवन सिंह से कम चार्ज करते हैं, लेकिन वो पवन सिंह से ज्यादा गाना गाते हैं। इसमें से कमाई की बात करें तो खेसारी लाल की ही ज्यादा है। तो नंबर एक पे जो हम बात करते हैं वो है पवन सिंह। आपको बता दें पवन सिंह जो है एक गाने के लिए 3,00,000 से लेकर 3,50,000 के बीच में चार्ज करते हैं। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।